आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7:30 या 8 कुछ ऐसे ही बज रहे होंगे और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले अभी मैं नीचे आ रही हूँ नहा करके। और रहती तो वैसे मैं नीचे ही हूँ, लेकिन मैंने कई वीडियो में बताया ना कि मैं नहाने ऊपर जाती हूँ, और मैंने उधर उनकी रोने की आवाज़ सुनी ना तो बालों में मतलब सिंदूर वगैरह लगाए, फिर मुझे लगा कि मैं कंघी कर लेती हूँ, लेकिन नहीं किया और ऐसे ही चली आई। मुझे कोल्ड हो गया है, मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। और खाना मतलब काफ़ी हद तक बन गया है और थोड़े बहुत जो बचा है वो मैं कर ले रही हूँ। तो आटा मैंने गूंथ करके रख दिया है, चावल रखे हैं तो अभी चावल चढ़ा दूँगी। और दाल पक गई, उसकी बस सीटी निकल जाए, प्रेशर बना हुआ है ना कुकर में। और सब्जी भी काफ़ी हद तक पक ही गई है तो उसको चला करके बंद कर दूँगी। तो कुछ खाना मतलब मिनी बना करके चली गई है और अभी वो रेडी होने गई है ऊपर, वो ऊपर गई मैं नीचे आ गई। तो अभी मिनी दाल भी बना ली है, सब्जी भी छौंक दी थी और जो चीज़ें बची थी वो मैं किए ले रही हूँ। हाँ, जो सुहागले खिलाना है तो इस वजह से मिनी ऊपर रेडी होने गई है। और मैंने सोचा चलो मैं अपना वीडियो भी लगे हाथ स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सब्जी भी काफ़ी हद तक छौंक गई है और यहाँ ना कद्दू की सब्ज़ी सब ऐसे ही सिंपल वाली खाते हैं, मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं, मसाला नहीं, एकदम सिंपल। कद्दू की भी और लौकी की भी, लौकी की तो मैंने कई बार ही दिखाई, तुरोई की भी सब्जी कई बार आई थी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है ना, एकदम सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा लहसुन मिर्ची और नमक डाल करके ऐसे वाली खाते हैं सब। तो दाल भी पकी गई है और सीटी भी निकल ही गई है, सब्जी बंद कर दी है। और यहाँ पर मैं अभी थोड़ी सी सुहागदी की क्लिप भी ऐड करे दे रही हूँ। तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं शूट करा हुआ है, मतलब मैंने तो शूट ही नहीं करा हुआ है, बस मैंने फ़ोन दे दिया था तो थोड़े बहुत क्लिप शूट हो गई तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। क्योंकि मुझे खाना नहीं था तो मेरा यहाँ पर कुछ भी काम नहीं था, तो फिर खाना बनाने के बाद ना मैं रूम में चली गई थी और उदयन भी काफ़ी परेशान कर रहा था उस टाइम पर, तो मैं उसमें ही बिजी थी। और यहाँ ना इधर साइड ऐसी लाई की सुहागली खिलाई जाती है और हम लोग की साइड ना मिठाई की खिलाई जाती है, मतलब यहाँ मिठाई और लाई चना सब कुछ रहता है। आपको बताऊँ मायके और ससुराल दोनों तरफ के रिचुअल्स इतने डिफरेंट डिफरेंट है ना, बिल्कुल अलग, जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ कुछ और होता है, उधर साइड कुछ और होता है, तो दोनों चीज़ों में ना कभी कभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाती हूँ। कुछ इवन शादी ब्याह भी होता है ना तो बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं ना जो बिल्कुल अलग ही होती हैं, तो बहुत ना सोच समझ करके देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि अच्छा इधर कैसे होगा उधर कैसे होता है। अभी शाम का टाइम है और मैं खा रही हूँ यहाँ पे लाई और वही पेड़ा, मतलब जो सुहागली खिलाई गई थी ना तो माँ भी खाई थी तो वही रखा हुआ है और चाची लोग का भी है, मतलब कई सारे लोग घर में भी हो गए थे ना सुहागली खाने वाले तो सबका इतना सारा हो जाता है और लाई इतनी सारी दी जाती है ना तो फिर सब लोग ना ऐसे लाई और पेड़ा खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। पहले मैं सोचती थी ना कि पता नहीं कैसे लगेगा लाई पेड़ा कैसे लगेगा, लेकिन अभी खाते खाते ना 4 साल में आदत पड़ गई है, अच्छा लगता है। और उदयन सो रहा है ना इसलिए मुझे वॉइस करना पड़ा है, मैं बोल नहीं रही थी। सुबह के 6:30 या 7 बजने वाले होंगे और जस्ट अभी मैं सोकर के उठी हूँ और इतनी ज़्यादा मुझे कोल्ड हो गई है ना कि मेरी आवाज़ भी नहीं सही से निकल रही। उदयन को थी पहले और मुझे, मतलब पहले नहीं थी, पहले उदयन को ही थी, मुझे लग रहा है उससे ही मुझे मिल गई है। तो कई बारी मेरे से उसको हो जाती है, कई बारी उससे मुझको हो जाती है। अभी हम 2 जन हो गए हैं ना जो मतलब बिल्कुल अलग रहते ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं अलग रहने का, तो ऐसे ही हो जाता है। कभी उससे मुझे मिल जाती है, कभी मुझे मतलब उससे मिल जाती है, उसको मुझसे मिल जाती है। और आज मैं जब से मतलब यहाँ आई हूँ ना, फर्स्ट टाइम ऊपर आई हूँ, बड़ा सुकून मिल रहा है सुबह सुबह। और देखो पल्ला मैंने कितना छोटा लिया हुआ है, तो नीचे पिन रात में मैं खोल लेती हूँ ना, फिर सुबह सुबह ऐसे ही लगा लेती हूँ तो बहुत छोटा पल्ला हो गया है। तो वैसे भी अब मैं बस नहाने ही जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी ना ये जो पेड़ पौधे हैं
चिड़ियों की बहुत सारी ना चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और एकदम ना पेड़ पौधे सब कुछ देख करके बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, ना ग्रीनरी से बहुत प्यार है। मैं देख लेती हूँ ना तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती है, सच बताऊँ, और मन करता है ना मेरी निगाहें टिक जाती हैं पेड़ पौधों में। जितने ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं ना उतना ही मुझे अच्छा लगता है। और बेर वाला जो पेड़ था ना वो बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सूखा है लेकिन उसकी जो लीव्स है ना वो बड़ी गंदी गंदी सी सूखी सूखी सी लग रही हैं। और ये जो नीम वाला पेड़ है ये बहुत हरा भरा लग रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे घूमती हूँ, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी, क्योंकि जो डेली के काम होते हैं ना वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो रोज़ उठना, रोज़ नहाना, रोज़ खाना बनाना, सोना, काम करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ टाइम ना खुद के लिए भी निकालना चाहिए। तो अभी मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ थोड़ी देर घूमने वाली हूँ। और सुबह का टाइम है ना तो काफ़ी सारे लोग अपने अपने छत में चढ़ जाते हैं, इसलिए सर में पल्ला रहना ज़रूरी है। कितना भी शादी को टाइम हो गया हो लेकिन ससुराल मतलब ससुराल ही है, बहू मतलब बहू ही है। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर घूमती हूँ इस छोटे से पल्ले को लेकर के। नीचे वाले काम निपटा लेती हूँ क्योंकि कितना घूमे फिरेंगे, लास्ट में आकर के ना अपना काम ही करना है जो डेली का रूटीन है। तो देखो आपको दिखाऊँ, इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं, सब के सब मुझे फोल्ड करना है। और मैं मतलब जिस दिन साड़ियाँ फोल्ड करती हूँ ना तो ऐसा होता है कि बस अभी अभी अब हो गई, अभी अब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दो तीन दिन के अंदर ही फिर इतनी सारी साड़ियाँ हो जाती हैं कि फिर जी वही होने लगता है कि अरे यार इतनी सारी साड़ियाँ फोल्ड करने को रखी हैं। और मैं थोड़ा मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि मुझे एक कपड़े मतलब धुलना, फैलाना और कपड़े फोल्ड करना, ये सब पता नहीं क्यों मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ऐसे ना चुपचाप खड़े रहो, कपड़े फोल्ड करते रहो या धुलने में, पता नहीं क्यों मुझे नहीं मज़ा आता है। कुछ काम जैसे किचन वाला काम है वो काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, स्पेशली अगर कुछ डिश टाइप का बनाना है तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मुझे लगेगा ना क्या क्या मैं एक्सपेरिमेंट करूँ उसमें। और कुछ ऐसे टाइप का काम होता है ना, साड़ी कपड़ा फोल्ड करना, धुलना, ये सब मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। बट ठीक है, अभी साड़ी पहनेंगे तो करना भी पड़ेगा। और जुखाम ने ना बिल्कुल परेशान करके रख दिया है मुझे, लास्ट टाइम अतर्रा में हुई थी और अभी फिर हो गई। तो अगर मैं मेरठ में रहती हूँ तो इनको कभी जल्दी जुखाम होती नहीं, तो मुझे भी नहीं होती है। और यहाँ रहो या फिर अतर्रा में रहो तो इतने सारे लोग हो जाते हैं ना कि किसी ना किसी से मिल ही जाती है जुखाम, क्योंकि जुकाम ऐसी चीज़ है ना कि आप बच नहीं सकते हो बहुत लंबे टाइम तक। तो चलते हैं। और ये भी बहुत सारा सामान जो है ना मेरा सोफे वाला वो फिर फैल गया है। मेन चीज़ क्या है ना कि मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल इस रूम में इस बारी, तो इस वजह से ना जैसे मैं ऊपर आती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए होती ना तो ले लेकर के फैला देती हूँ और फिर सेट नहीं करती। अगर रहना होता है ना तो फिर ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो जल्दी से सेट भी कर देना है। बट यही है ना कि कौन सा मुझे यहाँ रहना, चलो छोड़ो पड़ा रहने दो बाद में सेट कर दूँगी, ऐसे हो जाता है। तो अभी मैं सब कुछ सेट करती हूँ और बाद में फिर बात करूँगी, क्योंकि काम बहुत है और नहाना भी है मुझे। उदयन कब रोने लगे उसका कुछ भरोसा नहीं। कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। सबसे पहले फोल्ड करने से भी पहले ना मैं इनको सबको अलग अलग कर लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं ना मतलब साड़ियाँ सब कुछ तो बहुत ज़्यादा ना मिक्सअप हो रखे हैं, तो कन्फ्यूजन हो रहा था, तो पहले सबको अलग अलग कर लेती हूँ। और अभी अब मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी, तो अगर पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।